कि आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही घोषणा पत्र जारी किया है। तो संकल्प पत्र वर्सेस वचन पत्र, बीजेपी का संकल्प पत्र और समाजवादी पार्टी का वचन पत्र। तो दो तस्वीरें आपके सामने, आज सुबह गृहमंत्री अमित शाह ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, यानी सरकार का अगर वो सत्ता में आते हैं, बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या एजेंडा रहेगा, ये बताया गया उस संकल्प पत्र में। और 22 के लिए समाजवादी पार्टी के 22 वचन वचन पत्र के जरिए अखिलेश यादव ने जनता के सामने रखे। दस मार्च को पहले चरण का मतदान होना है। तो वादों का पिटारा घोषणा पत्र के जरिए आज जनता के सामने, बीजेपी का संकल्प पत्र, गृहमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। तो ये देखिए, बीजेपी का संकल्प पत्र और समाजवादी पार्टी का वचन पत्र। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी, ये समाजवादी पार्टी के वचन पत्र में भी कहा गया। बीजेपी ने कहा कि गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर उनका भुगतान किया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि 15 दिनों के भीतर जो है वो गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित करेंगे। और इधर समाजवादी पार्टी ने वादा किया कि हर फसल को हम MSP पर खरीदेंगे। लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा मुकरर करने की बात बीजेपी की तरफ से की गई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी। 25,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना बीजेपी लेकर आएगी अगर वो दोबारा सत्ता में लौटती है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की बात बीजेपी भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, लेकिन बड़ी बात जो किसान आंदोलन को लेकर जो नाराजगी है किसानों के बीच, उसको साधने के लिए समाजवादी पार्टी के वचन पत्र में कहा गया है कि जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही ने बिजली को लेकर बड़े बड़े वादे किए। तो सुन लेते हैं कि आज गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा और फिर अखिलेश यादव ने क्या कहा। इसी के क्षेत्र में हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इसे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। समूचे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सभी ग्रामीणों और आंतरिक सड़कों को RCC से बनाया जाएगा। तो चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने किस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी पर हमला बोला। भूमाफिया टास्क का भी वादा किया था, आज मैं कहना चाहता हूं, लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति को भूमाफियाओं से मुक्त कराकर वहां गरीबों के आवास बन रहे हैं, कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। ये 2000 करोड़ की संपत्ति सपा बसपा बसपा सपा बहन जी और भतीजे के राज में, ये 2000 करोड़ की संपत्ति सपा और बसपा के भूमाफियाओं ने कब्जे की थी, उसको मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने कहा। 5 साल पहले इस प्रदेश में राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण हो चुका था और प्रशासन का संपूर्ण राजनीतिकरण हो चुका था। आज मैं कह सकता हूं, राजनीति में अपराधियों को कोई जगह नहीं है। 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजनीति को अपराधीकरण से संपूर्ण मुक्त करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमने कहा था ग्रेड तीन और चार के कर्मचारियों की भर्ती में से इंटरव्यू को समाप्त कर भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती का वातावरण देंगे। आज हमने ये काम भी कर दिया है। आज
तीन और चार की सरकारी, ग्रेड तीन और चार की सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त हो गए हैं। किसी की चिट्ठी की जरूरत नहीं, किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई आपकी जाति नहीं पूछेगा, मेरिट है तो आपको नौकरी मिलेगी। ABP News आपको रखे आगे।